हेलो एवरीवन, चैलेंजिंग सीरीज के डे 127 में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन हमारा पाइप एंड सिस्टम पे बेस्ड है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। जो लोग मेरे बारे में या चैलेंजिंग सीरीज राउंड के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। देखो आज का सवाल क्या है हम लोगों का, क्या बोल रहा है, ए सिलेंडर ओवरहेड टैंक इज फिल्ड बाई टू पम्प्स। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल ओवरहेड टैंक है जो कि दो पम्प से भरा जाता है, ए और बी। ए कैन फिल द टैंक इन 8 आवर, बी कैन फिल द टैंक इन 12 आवर। यानी कि ए जो है टैंक को भरता है 8 घंटे में और बी जो है उसी टैंक को भरता है कितने देर में, 12 घंटे में। ठीक है, देर इज अ पाइप सी विच कैन एम्प्टी द टैंक इन 8 आवर। एक पाइप सी भी है यानी कि ये दोनों जो है वो है हमारा भरने वाला। तीसरा एक पाइप सी है जो कि इसको खाली करता है कितने देर में, 8 घंटे में खाली कर देता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, बोथ द पम्प्स आर ओपेंड साइमल्टेनियसली, दोनों पंप को साथ में लगातार खोल दिए जाते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले ना हम लोग काम निकाल लेते हैं। तो काम निकाल लिया 24, 8 से ये प्लस में 3 इफिशियंसी, ये प्लस में क्या 2 इफिशियंसी, और यहाँ पे ये क्या निगेटिव में 3 इफिशियंसी। ठीक है, कंडीशन क्या बोला है हमारा, बोथ द पम्प्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, दोनों पंप को साथ में खोल दिया जाता है। द सुपरवाइजर ऑफ द टैंक, जो टैंक का देख रेख कर रहा था, मतलब कि वहाँ पे उसको देख रहा था कब वो भरेगा कब वो नहीं भरेगा। बिफोर गोइंग आउट ऑन अ वर्क सेट्स अ टाइमर टू ओपन सी। ठीक है, काम पे जाने बाहर जाने से पहले वो क्या करता है, अपना टाइमर सेट करके आता है सी के लिए। वेन द टैंक इज हाफ फिल्ड सो डैट द टैंक इज एग्जैक्टली फिल्ड अप बाय द टाइम ही इज बैक। ठीक है, मतलब क्या बोला है कि उस सी को इस तरीके से सेट करके जाता है कि जैसे ही टंकी आधी भरेगी, यानी आधा मतलब क्या 12, ठीक है, सी खुल जाएगा और वो उसी समय वापस आएगा जब टंकी क्या होगी पूरी तरीके से भर जाएगी। तो हमारा टोटल टंकी भरने में समय क्या लगेगा, तो कंडीशन यही है हमारा कि पहले आधा टंकी जो है ए और बी ही भरेगा और फिर जो है आधा टंकी जो है हमारा वो कौन भरेगा, ए बी और सी मिलके भरेगा। ठीक है, यहाँ से देखो 3, 2, 5 है और यहाँ पे 12, जब इसे काटेंगे तो ये देगा हमें 2.4 और यहाँ पे 3, 2, 5 में 3 चला जाएगा हमारा तो क्या बचेगा हमारा 2, 2 से ये कर जाएगा कितना 6, यानी कि ये क्या हो गया हमारा 8 पॉइंट में कितना 4, यानी 8.4 आवर। ठीक है, अब आगे देखो अगला कंडीशन हम लोगों का क्या बोल रहा है कि ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट, टेक्निकल फॉल्ट के वजह से सी ओपन्स व्हेन द टैंक इज 1/3 फिल्ड। कुछ टेक्निकल रीजन के वजह से सी तभी खुलता है जब टैंक 1/3 फिल होता है। ठीक है, इफ़ द सुपरवाइजर कम्स बैक एज पर द प्लान, सुपरवाइजर उसी समय आता है एज पर द प्लान, यानी कि क्या 8.4 आवर के बाद सुपरवाइजर आता है, वाट परसेंटेज ऑफ द टैंक इज स्टिल एम्प्टी, टैंक का कितना परसेंटेज जो है अभी खाली है। तो अब देखो टैंक जब आधा भर जाता है, 1/3 भर जाता है, क्या बोला है, टैंक जब 1/3 भरता है, 1/3 का कंडीशन क्या है, यानी कि सेकेंड केस हमारा क्या है 1/3, 24 का जब 1/3 निकालेंगे तो 24 1/3 कितना देगा 8। ठीक है, यानी 8 आधा जब 1/3 भरा गया तो हमारा क्या हो रहा है, सी भी खुल जा रहा है, यानी 8 जो है यहाँ पे काम कौन कौन कर रहा है, 3 और 2, यानी कि ए और बी काम कर रहा है ये 8 यूनिट भरने में। ठीक है, बचे हुए जो काम है वो कौन करेगा हमारा, तीनों मिल के करेगा। तो सबसे पहले ये 8 यूनिट भरने में हमारा समय क्या लगा, 3, 2 हमारा कितना है 5, यानी कि यहाँ पे हमारा लग रहा है 1.6 आवर। ठीक है, अब सुपरवाइजर जो लौट के आया होगा वो लौट के कब आया होगा, 8.4 आवर के बाद, और सेकेंड केस में मेरा क्या है 1.6 आवर मैंने काम कर दिया, तो मेरा जो बचा हुआ समय है, ठीक है, रिमेनिंग टाइम, वो रिमेनिंग टाइम हमारा क्या है, 8.4 आवर में तुम क्या करो यहाँ पे 1.6 को घटा दो, तो 8.4 में जब 1.6 को घटाएंगे तो ये हमें देगा 6 पॉइंट में क्या 8 आवर। ठीक है, 6 पॉइंट में कितना देगा 8 आवर, यानी कि अगर आगे जो हमारा टंकी चालू होगा, आधा 1/3 तो भरा गया हमारा, ठीक है, आगे जो टंकी चालू होगा वो कितने टंकी चालू हो, कितने देर के लिए चालू होगा, 6.8 आवर के लिए, क्योंकि सुपरवाइजर बंद करने के लिए उसे आ जाएगा। तो 6.8 आवर में टंकी कितना भराया होगा इन 6.8 आवर। अब क्या है हमारा कि 1/3 जब भराता है तो सी भी खुल जाता है, तो यहाँ पे 6.8 आवर कौन कौन चला होगा, ए बी एंड सी। ठीक है, कितना भरा होगा 6.8 इंटू इफिशियंसी कर दिए, तो यहाँ से ये निकल गया हमारा 13 पॉइंट में कितना 6, यानी कि 13 पॉइंट में 6 यूनिट जो है हमारा वो क्या होगा, भरा गया होगा। ठीक है, जब भरा गया हमारा तो सेकंड कंडीशन में हमें मालूम हो गया कि 8 यूनिट पहले भराया था जो कि 1/3 था, फिर 13.6 यूनिट भराया है हमारा, तो हमारा बचा हुआ कितना है हमें ये निकालना है, रिमेनिंग निकालना है टू बी क्या फिल्ड।
ठीक है, टू बी क्या फिल्ड, जो अब हम लोग भरेंगे। तो टोटल हमारा था 24, जिसमें से कि हम लोगों ने क्या किया 8 यूनिट भर दिया, और फिर उसमें से हम लोगों ने क्या किया 13.6 यूनिट भर दिया। तो इन दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ से घटाने के बाद ये हमें मिल जाएगा 2.4 यूनिट, यानी कि इतना अभी भरना बाकी है। इतना जब भरना बाकी है तो हमसे पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द टैंक इज स्टिल एम्प्टी, कितना परसेंट टैंक का जो एम्प्टी है, यानी कि परसेंटेज रिमेनिंग हमको निकालना है। तो परसेंटेज रिमेनिंग हमारा कैसे निकलेगा, परसेंटेज रिमेनिंग निकलेगा जितना खाली है बटे में क्या टोटल और गुने में कितना 100। अब यहाँ से देखो ये पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 24 खत्म, 10 से ये 0 खत्म, यानी कि हमारा कितना आ गया 10% आ गया, और यही हमारा आंसर है 10%। सीधा सीधी इसमें इसी पाथ पे यहाँ पे ध्यान देना है कि पहले 1/3 भराने में हमारा लगा कितना समय, 1.6 आवर। तो 1.6 आवर हम लोगों ने काम कर लिया हम, और सुपरवाइजर जो आएगा वो आएगा 8.4 आवर के बाद, यानी कि आगे और कितना देर तक चलना है टंकी को, वहाँ पे तीनों पाइप को 6.8 आवर तक। 6.8 आवर में तीनों ने कितना भरा 13.6, 8 यूनिट भरा गया, 13.6 यूनिट भरा गया, तो आउट ऑफ 24 कितना यूनिट बच गया, तो 2.4 यूनिट। यही पूछ रहा है कि परसेंटेज बताना है कितना अभी खाली है, तो इसी का खाली का परसेंटेज बताना, और यही हमारा आंसर है 10%। होप आप लोगों को ये क्लियर होगा।